Hey, how's it going everyone? My name is Mari Paur, guys. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे हिमलैंड्स के वर्ल्ड में। तो गाइस पिछले एपिसोड में होगलालो को मारने के हम लोग एक और स्टेप नजदीक आ गए थे, लेकिन लास्ट एपिसोड में कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो गया। ड्रीम बॉय के सर के ऊपर गाइस एक बहुत ही अजीब सा एंचेंटेड पंपकिन लग गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो होगा एंड हुलालाला के साइड से फाइट लग गया करने मेरे खिलाफ। वो बंदा मुझे मारने की ट्राई कर रहा था लास्ट एपिसोड में, बट जैसे तैसे करके भाई क्लच ब्लिच करके पता नहीं कैसे तैसे करके मैं बचा उन लोगों से। एंड देन जब मैं भाई वापस आया अपने इस विज़र्ड बंदे के पास इससे पता लगाने के लिए कि भाई इस पंपकिन का क्या राज है, बिकॉज इस बंदे के पास गए दुनिया के सारे सवालों के जवाब है। इस बंदे ने मुझे ही जेल के अंदर डाल दिया। व्हाई? बिकॉज जब मैं इसे पूछने आया था ना उससे थोड़ा पहले, एक दो घंटे पहले, ड्रीम बॉय उस पंपकिन को पहनकर यहाँ पर आया इस विलेज में, इसके पूरे परिवार को मार दिया, विलेज वालों को मारा उसने, और इसको लगा कि मैं उसके साथ मिला हुआ हूँ तो इस बंदे ने मुझे जेल के अंदर डाल दिया। मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी इसको कि भाई मैंने नहीं किया, जो ड्रीम बॉय के सर के ऊपर पंपकिन लगा हुआ है वो बहुत ही मायावी पंपकिन है, उसी की वजह से जो ड्रीम बॉय है ना वो यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। बट इसने मेरा बिल्कुल यकीन नहीं किया एंड इसने मेरे को यहाँ पर जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने उस जेल से एस्केप किया और भाई रात को पकड़ा इस बंदे को मैंने जब सोया हुआ था। एंड जब मैंने इसे विनती करी कि भाई प्लीज मेरे पे यकीन कर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, देन इस बंदे ने उसके बाद गाइस इस विलेज की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है उसके अंदर जाकर एक बहुत ही एंशियंट बुक पढ़ी। उस एंशियंट बुक के अंदर इसको उसका राज पता चला उस पंपकिन का, जिसका नाम है गाइस डार्क पंपकिन, और वो हमारे ड्रीम बॉय के इन्वेंटरी पे आ चुका है। एंड अब उसकी इन्वेंटरी से वो जो पंपकिन है वो छूटेगा नहीं कभी भी, एंड हर 15 मिनट में उसके सर पे लगता रहेगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, वो पागल हो जाता है और मुझे मारने की ट्राई करेगा। तो इसने मुझे ये बताया, तो इसने मुझे अभी भी जस्ट एक और बात बताई कि आज कुछ भी हो जाए मुझे उन विलेजर्स को गाइस निकालना पड़ेगा वहां से। उसका रीजन मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, बिकॉज अगर वो विलेजर्स वहीं पर रह गए ना होगा लाला के पास तो हम लोगों की वाट लगने वाली है। बट फाइनली इस बंदे ने मेरे पे यहां पे गाइस यकीन कर दिया है। लास्ट एपिसोड में गाइस इस बंदे ने मेरा सारा का सारा आर्मर निकाल दिया था, तुम लोगों को याद होगा जेल के अंदर डालने से पहले। तो इसने मेरे को गाइस सारा का सारा मेरा जो सामान है वो सारा का सारा वापस कर दिया इसने मेरे को फाइनली। एंड गाइस इस बंदे ने मेरा यहाँ पे ना पूरा का पूरा आर्मर वापस नहीं दिया, बिकॉज तुम लोग मेरे आर्मर की हालत देख रहे हो यहाँ पे। लास्ट एपिसोड में होगा हुला एंड ड्रीम बॉय से फाइट करने के बाद पूरा का पूरा आर्मर मेरा पूरे तरीके से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, मैन उसका कुछ बचा ही नहीं है। तो मैंने इससे रिक्वेस्ट करी कि ब्रो आज मैं यहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर ना भाई खतरनाक वाले आर्मर की जरूरत है। तो इस बंदे ने मेरे को एक बहुत ही मस्त आर्मर की लोकेशन बताई, जो कि इसी विलेज के बैक साइड में जो पहाड़ दिख रहे बड़े बड़े उसके बैक साइड पे इनका एक ऐसा वेयर हाउस टाइप है, जहाँ पर ये लोग अपने वार की प्रेपरेशन करते हैं। जब भी यहाँ पर हमले वगैरह होते हैं ना इस विलेज के ऊपर, तो ये लोग वहाँ पर क्या करते हैं, वेपन्स वगैरह बनाते हैं, आर्मर्स वगैरह बनाते हैं खतरनाक वाले। तो इसने मुझे बोला कि वहां पर जाकर तो अपने लिए कोई भी एक आर्मर सिलेक्ट कर सकता है एंड उसके लिए हेल्प करने वाले ये दोनों के दोनों बंदे। और याद होगा तुम लोगों को भाई ये वही विलेज था जिन दोनों ने मेरे को ना कल पिछले एपिसोड में जेल के अंदर लेकर गए थे लोग मेरे को। ये बंदा याद होगा तुम लोगों के बहुत ही गंदा आदमी भाई साहब, ये मेरे को बार बार मॉक कर रहा था, बार बार पंच मार रहा था। और इस बंदे का जो खाली हाथ का पंच होता है 4 हर्ट्स खाता है हमारे, वो इतना पावरफुल बंदा है। तो मैंने अपने विज़र्ड को बताया इस बंदे के बारे में कि ये बंदा ऐसा ऐसा करके मेरे को मॉक कर रहा था, तो भाई इस बंदे ने इसको जो झाड़ा इससे पहले कि भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है, गलत था वो। तो अब इस बंदे को यहाँ पर ना इसका एक लेसन मिल चुका है कि भाई साहब ऐसे इस वाड़ी बाइक से पंगे नहीं लेने, बेटा मैंने तेरी शिकायत की विज़र्ड से, समझा बदसूरत इधर देख है भाई, अब मार के दिखा आ जाना बेटे, अब क्या हो गया फटकी तेरी है, कल तो ये बड़ा भारी यहाँ पे दबंग बन रहा था, फटकी तेरी विज़र्ड से, अब मार के दिखा। क्या ड्यू टू बैड बिहेवियर, ये क्या मजाक है भाई, ये हमारा विज़र्ड गाइस बहुत ही तगड़ा बंदा यार, अपनी जबान का पक्का आदमी है, बंदे को ही मरवा दिया अपने खुद के बंदे को जो इसके लिए काम करता है। ओके भाई मैं ना एक्चुअली मजाक कर रहा था भाई, मेरे को नहीं लगा था बंदा मेरे पे हमला करेगा। ओए बदसूरत देख ले तूने, अब तू मेरे पे हमला करेगा, टच करके दिखा तू भी करेगा हमला, पीछे को जा रहा है, हमला नहीं करिए विज़र्ड बाबू, बहुत ज्यादा गुस्से में इस वक्त। ओ माय गॉड गाइस भी बहुत ज्यादा एपिक था भाई, मुझे लेके चलो कहाँ पर है, मेरे को आर्मर चाहिए और मुझे आज होगा लालो को मारना है यार, ये बेचारा विलेजर मर गया फालतू में यार। मैं तुम लोगों को बोला था ना लास्ट एपिसोड में ये विलेजर है बड़े खतरनाक, बट एक नंबर के अनपढ़ है भाई ये, देखा तुम लोगों ने उससे पीछे खाली हाथ से शॉट मारा, 4 हार्ट खाया उस बंदे ने मेरे लिटरली। और अभी विज़र्ड ने मेरे को बोला उस ऊंचे वाले पहाड़ के बैक साइड पे इनका वेयर हाउस है, वहां पर मिलेगा एक आर्मर, कोई भी आर्मर सिलेक्ट कर दूंगा एंड देन उसके बाद गाइस उन विलेजर को बचाने के लिए चलते हैं। एंड मैं तुम लोगों को शायद से बता रहा था कि वो जो विलेजर्स हैं उनको बचाना जरूरी इसीलिए क्योंकि मेरे को विज़र्ड ने पता क्या बताया गाइस, जो मेरी थ्योरी थी ना लास्ट एपिसोड की कि वो जो होगा लाला है वो एक्चुअली इन विलेजर्स के साथ कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, वो बंदा इनको अपने ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा है लिटरली। तो मेरे को विज़र्ड ने बताया कि भाई एक बार वो बन गए तो 36 होगा लाला आ जाएंगे सामने लड़ने के लिए, और तब आपको कोई बचा नहीं सकता, बिकॉज उस बंदे का जो यहाँ पे मेन मकसद है वो ये है कि हमारे इस हिमलैंड्स के वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना एंड हमको खदेड़ कर यहाँ से बाहर डार्क हिमलैंड के अंदर भेज देना। एंड डार्क हिमलैंड इज द हेल ऑफ हिमलैंड, तुम लोगों को पता है ऐसे अगर वहाँ फंसे हुए भाई पता नहीं कैसे वो बंदे वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मेरी तो भी फटी हुई है वहाँ जाने के लिए, मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे, कितना दूर है भाई, कहाँ लेके जा रहा है मेरे को भाई, खुपचे में लेके तो नहीं जा रहा मारने भूनने के लिए। ओ माय गॉड यहाँ पर इनका वेयर हाउस, आजा भाई थैंक यू मैन, भाई देख मैं तेरी चुगली नहीं करूंगा उससे अगर तुम्हें को मारेगा भी, ठीक है मैं चाहता नहीं कि तू मरे, तू अच्छा आदमी है,
वो तेरा दोस्त मुझे पसंद नहीं था भाई, उसने लास्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा सिरखफाई की थी मेरे साथ। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो गाइस। ओके भाई, तो मैं पूरा का पूरा आर्मर निकालने वाला है ब्रो, मैं पूरा का पूरा आर्मर निकालने वाला ही वाला। ओ माय गॉड, मैं ले रहा हूँ विलेजर, मेरे पे हमला ना करी गलती से भी। तेरे विजर्ड भाई ने मेरे को बोला भाई ये पूरा का पूरा आर्मर लेने के लिए, ओके ना, हमला करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड उसके अलावा ओ माय गॉड, उसने मेरे को बोला था यहाँ पर बहुत सारे ये पड़े हुए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मेरे को जरूरत पड़ने वाली। इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ है, प्रोटेक्शन 4 लगा हुआ है हर जगह पे। ये मुझे एटलीस्ट होगा लाला हुला लाला के खिलाफ यू नो थोड़ी देर तक जिंदा रख सकता है। और ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अच्छा आर्मर है भाई। ऐसा करते हैं ना गाइस, अब मैं जाने वाला हूँ वापस, और मेरे को जाना है उस विलेज के अंदर, आई मीन जहाँ पर वो हमारे विलेजर को सब किडनैप किया हुआ है। और गाइस एक और चीज बताई मेरे को भाई अभी विजर्ड ने, तुम लोग को याद है वहां पर एक जगह थी जहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप था, जहाँ पर वो सारे विलेजर्स को रखा हुआ था। उसने मेरे को बताया अगर हमको वहां से अंदर जाना है ना ब्रो, तो हम लोगों को वहां के लिए एक लीवर की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल लीवर। मैं तो लास्ट एपिसोड में सोच रहा था कि मैं कोई भी लीवर बना दूंगा, वहां से अंदर चला जाऊंगा विलेजर्स को बाहर निकालने के लिए, बट ऐसा नहीं है। तो उस बंदे ने मेरे को बताया जो यहाँ पर जो बंदा ये वेपन्स बनाता है, उस बंदे को उसने स्पेशल टास्क दिया हुआ है। तो मैंने इस बंदे को बोला कि भाई मेरे को वाला लीवर चाहिए, पता नहीं कौन सा लीवर है भाई, आई हैव नो आइडिया। तो ये बंदा अभी उस चीज को बना रहा है उस स्टोन कटर के अंदर, आई डोंट नो। और बना दिया इसने, अरे वाह बेटा, थैंक यू मैन। मेरे को पकड़ा दो भैया यार, अगर आप देख सकते हो तो अभी। थैंक यू। और ये लीवर है हमारा, हाँ इसका नाम डार्क लीवर है भाई। जितने भी आप यू नो गाइस सीन हो रहे ना हमारे इससे रिलेटेड, क्या नाम है हमारे होगा लाल से रिलेटेड, उनका नाम हमेशा डार्क से रिलेटेड होता है, डार्क लीवर, डार्क इमलैंड्स एंड ऑल। तो ये बहुत ज्यादा अजीब सी बात है, बट थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, मैं आपको धनी। अरे फिर से काम में लग गया भाई, ये बहुत मेहनती विलेजर्स यार, ये बंदा फिर से काम लग गया करने, इसको देते हैं काम करने, खुद निकलते हैं यहाँ से। और गए तो फटाफट चलते हैं। अब देखो विजर्ड ने मेरे को यहाँ पे सब कुछ तो दे दिया है, आई गेस मेरे को वापस जाना चाहिए सीधा ही विलेजर्स को बचाने के लिए। या तो ऐसा करते पहले इस विजर्ड के पास। नहीं ये लोग फिर से आ गए यार, ये लोग कैसे, इन लोगों को पता चल जाता है। अरे मैं जहाँ जा रहा था ये लोग कैसे आ जाते हैं, दोनों के दोनों कितना ज्यादा हाइट में चल रहे हैं यार ये लोग। मेरे को लग रहा है ये लोग यहाँ पे विजर्ड के पास जा रहे हैं। इस हुला लाला ने कुछ यहाँ पे प्रेजेंट आई मीन फ्यूचर की कुछ ग्लिम्स देख ली होगी यार फिर से, और अब ये जा रहे हैं उसके यहाँ पर पता करने के लिए शायद से। भाई अब मैं नीचे नहीं जा सकता यार, अगर इन्होंने मेरे विजर्ड को मार दिया तो मैं क्या करूंगा भाई जिंदगी, मुझे बताओ। उस बंदे के पास सारी इन्फॉर्मेशन है यार, और वो बंदा मेरे को अभी पंपकिन कैसे हटेगा ड्रीम बैग का उसकी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला था वो बंदा मेरे को। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है भाई, लग चुके हैं हमारे ड्रीम बॉय के क्या। ओह माय गॉड, मेरे को लग रहा है इस पक्का 110% जो हमारा ये ओह माय गॉड, अरे भाई फाइट हो गई इनके बीच स्टार्ट यहाँ पे। ओह माय गॉड ब्रो, हमारा विजिट पेल रहा है इन दोनों को। आर यू सीरियस, क्या हो रहा है? हेलो ओह माय गॉड, मैं जाऊं गाइस, मैं जाऊं लड़ने, अगर मैं नेथरेड के शॉट मारूंगा दोनों डर जाएंगे मुझे पता है। ब्रो अगर मेरा विजर्ड मर गया दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर बहुत बड़ी। अरे हमारा होगा लाला मर गया, आर यू सीरियस, हमारे विजर्ड ने होगा लाला को मार दिया। एंड हुला लाला भाग रहे, ये डर गया हुला लाला। हाँ इसकी पिंक स्माइल है, हाँ पिंक स्माइल वाला डर रहा है बंदा। ओ माय, भाई इधर को ना आइए प्लीज प्लीज प्लीज, इधर को ना आइए प्लीज, इधर को ना आइए, डर के मारे भाग गया बंदा हमारा विजर्ड रॉक्स मैन। ओ माय गॉड ब्रो, नीचे तुम लोगों ने देखा लिख के आया था होगा लाला स्किल्ड बाय विजर्ड, देखो विजर्ड नीचे वापस को देख रहा है। आर यू सीरियस, यहां पे होगा लाला मर गया इतने सस्ते वे में। भाई मैं निकल रहा हूं यहां से फटाफट, अब मैं उन विलेजर को गाइस इजीली बचा सकता हूं। ब्रो विजर्ड ने होगा लाला को मार दिया, और मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि शायद से हुला लाला ने यू नो वो फ्यूचर देख लिया होगा, जो थोड़े बहुत यू नो फ्यूचर में ग्लिम्स देख सकता है, एंड उसको लगे होगा पता कि मैं यहाँ पर आया, एंड दैट्स व्हाई उसने विजर्ड को मारना स्टार्ट कर दिया। बट विजर्ड के अंदर जो पावर है ब्रो, हल्क की पावर इस बंदे के अंदर, दो बंदे पेल रहा था ये, और हुला लाला को डरा दिया इसने ब्रो। ओ माय गॉड, ये बहुत ज्यादा एपिक था यार, मैं तुम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा मेरी फीलिंग्स गाइस। ओपी विजर्ड इन द चैट, और हमारे विजर्ड भैया के लिए एक लाइक तो बनता है भाई इस वीडियो पे, पूरे 500,000 लाइक चाहिए गाइस मेरे को विजर्ड के लिए इस वीडियो पे यार, क्या ही मस्त था ये, आई एम सो इम्प्रेस्ड। एंड आई गेस इस पहाड़ के बैक साइड होकर जाना है मेरे को उस गड्ढे तक जाने के लिए, अब मैं उनको बचा सकता हूँ विलेजर को बिना टेंशन के। फटाफट चलते ब्रो, फटाफट। वन लाइक इक्वल टू वन किक एस ऑन होगा लाला पिछवाड़ा मैन। भाई सामने को तो यकीन नहीं हो रहा, होगा लाला मर गया, हमारा वो विजर्ड बंदा इतना ज्यादा खतरनाक था, मेरे को भाई इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। एंड मैं अपनी उस जगह पर पहुंचने वाला हूँ, बट ऐसा करते हैं उससे पहले थोड़ा बहुत खाना निकाल के रखते हैं। एंड गाइस नीचे ना अभी जस्ट मुझे कमांडर का मैसेज आया था यहाँ पे, कमांडर साहब मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं। एंड जब मैंने उसको बोला भाई मेरे पास तेरे लिए खुशखबरी है, तो बंदा बहुत ज्यादा डरा हुआ था।
एंड आई हैव नो आइडिया कि भाई वो बंदा इतना डरा हुआ क्यों है। मैं फटाफट यहाँ पे खाना निकालता हूँ, उस बंदे ने मेरे को यहाँ ऊपर उस पहाड़ी के टॉप में मिलने के लिए। तो इस फटाफट चलते हैं एंड कमांडर साहब को खुशखबरी सुनाते हैं। अब कमांडर ने गाइस मेरे को एग्जैक्टली ये बोला था कि भाई तू जल्दी आ, जितना जल्द से जल्द आ सकते हैं, घुमाओ ऊपर है कमांडर हमारा। इसने मेरे को बोला कि जितना जल्द से जल्द आ सकता है भाई, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो चुकी है। अब आई हैव नो आईडिया किस इमरजेंसी की बात कर रहा है, पर मैं इसको यहाँ पे खुश कर देने वाला। ब्रो होगा लाला मर चुका है यार, भाई मेरे सीने से ना गाइस एक बहुत ही बड़ा बोझ हल्का हो चुका है, फीलिंग आ रही है। हाँ अभी तो ऊपर ही खड़ा है। हेलो कमांडर साहब, मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया मेरे भाई। चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस बंदे से बात करता हूँ, मैं इसे पूछता हूँ कि भाई क्या सीन है और तू क्यों इतना ज्यादा दुखी है यहाँ पर, क्या सीन है भाई बता मेरे को। ओह माय गॉड, इस बंदे ने मेरे को एक बहुत ही अजीब सी बात बताई गाइस। ये कमांडर मेरे को बता रहे कि अभी अभी जस्ट 15 मिनट पहले उस साइड के लिए जो हमारा वो विलेज है ना, जहाँ पर हमारा किंग है, ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि होगा लाला एंड हुला लाला एंड ड्रीम बॉय तीनों मिलके वहाँ पे किंग को मारने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैंने अभी अभी मेरी आंखों के सामने होगा लाला को मरते हुए देखा है, अपनी आंखों के सामने मरा वो मेरे सामने सामने। नीचे लिख के भी आया था कि विजर्ड ने उसको मार दिया। मैंने इस बंदे को ये एग्जैक्ट सेम चीज बताई कि भाई विजर्ड ने मेरी आंखों के सामने उसको मारा। ये बंदा यकीन ही नहीं कर रहा है, मेरे को बोल रहा है कि ब्रो होगा लाला इस वर्ल्ड के अंदर मर ही नहीं सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। और मुझे किंग ने भी यही बताया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने होगा लाला मर गया। और अब ये बोल रहा है कि वो मर नहीं सकता यहाँ पे, और ये मेरे को पता क्या बोल रहा है ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई तेरे को देखने के लिए। बट मुझे क्या गड़बड़ हुई है भाई, इतना ऊंचा ऊंचा उछल के जा रहे हैं होगा लाला एंड हुला लाला, एंड व्हाइट स्माइल वाला मरा था एंड पर्पल स्माइल वाला वहां से भाग गया था, जो कि हुला लाला है वो भाग गया था। ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि नहीं तू गलत फहमी में है भाई, कुछ यहाँ पे होगा एंड हुला इस वक्त भी वहां पे किंग को मारने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये बंदा मेरे को बुलाने आया था कि भाई तू मेरे साथ लड़ने के लिए चल, पर मैंने उसको बोल दिया भाई देख मेरे को यकीन नहीं हो रहा इस बात पे, तो भाई तू यहाँ से अकेला निकल जा, मेरे को आप उन विलेजर्स को बचाना क्योंकि मेरे को उन विलेजर्स को बचाने के बाद जो हमारा किंग है वो इन्फॉर्मेशन देगा उसको मारने के लिए, हुला लाला को मारने के लिए। हुला लाला तो मर चुका है। तो गाइस मेरे को तो अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार, ये बंदा मेरे पे यकीन ही नहीं कर रहा है ब्रो इस बात का। और इसने मेरे को बोला कि ब्रो मैं अब यहाँ से विलेज के लिए निकल रहा हूँ जितना जल्द से निकल सकता हूँ, बिकॉज अगर हुला लाला वगैरह ने देखा कि ये बंदा वहां से गायब है तो ब्रो यहाँ पर ना इसकी बैंड बजने वाली है। तुम लोग देख रहे हो ये बंदा इतना फास्ट क्यों दौड़ रहा है गाइस, इसके बाद वो एपिक हीरोज आर्मर है इस वक्त यार, बहुत ज्यादा एपिक है वाला आर्मर। और ये बंदा यहाँ से निकल चुका है और अब मैं जा रहा हूँ गाइस फटाफट विलेजर्स को बचाने के लिए। मेरे को लग रहा है कमांडर हमारा एकदम पागल हो चुका है यार, बंदा बोल रहा है कि होगा लाला उस बंदे को वहां पर मारने के लिए उस विलेज के अंदर आया हुआ। एक और ड्रीम बॉय, बेटा मैं आपके साथ लड़ना नहीं चाहता, आपको पता है ना मैं आपके साथ लड़ना नहीं चाहता हूँ ड्रीम बॉय, लेकिन मेरे को पूरा पता है आपके बारे में। अब यार मेरे को पता लग चुका है आपकी असलियत की, आप नहीं कर रहे हो भाई ये, मैंने बोला था, मैंने पूरी ऑडियंस को बोला था कि भाई ड्रीम बॉय हमको मारने की यहाँ पे साजिश नहीं रह सकता है भाई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अरे ये बंदा मेरे को डार्क प्लेनेट पहुंचा देगा भाई, इसकी ऐसी की तैसी। ड्रीम बॉय आपको डार्क पंपकिन नहीं लगाता ना, मैं आपको मारता नहीं, पक्का नहीं मारता, पर मारना पड़ेगा अभी इसको मेरे को। ओ माय गॉड, तुम लोगों को पता है ये बंदे ना बिना आर्मर के भी इतने स्ट्रॉन्ग है ना लिटरली, और ड्रीम बॉय के बहुत यहाँ पे आर्मर है ब्रो इस वक्त, होगा हुला से भी ज्यादा खतरनाक है, होगा लाला की तो अस्थि विसर्जन हो चुकी है। अरे मत मार ड्रीम बॉय, छोड़ दे भाई, भाई भाई हम लोग यार अब 15 मिनट तक गाइस यहाँ पे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, तब तक इसका ना यहाँ पर ये जाएगा नहीं, ये इसके सर पे जो पंपकिन लगा हुआ भाई, पेल देखा है बंदा मेरे को, रहने देना भाई, इस डार्क पंपकिन को ऐसी जगह पे गाड़ूंगा ना बेटा, अरे भाई साहब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा डार्क पंपकिन, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। ओ माय गॉड, मैं लड़ना नहीं चाहता ड्रीम बॉय से भाई, गलती से अगर मरमर आ गया ना, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, बट स्टिल भाई मैंने उसको 50 शॉट मार दिया कम से कम। ओ भाई बहुत फास्ट है भी, होगा लाला की तरह फास्ट है भी। ओ माय गॉड, आजा 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 बेटा, अरे बेटा आजा 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 इसको शॉट नहीं लग रहे ब्रो, ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है बंदा यार, इसको शॉट नहीं लग रहे। और ये बंदा भी नेदरराइट से नहीं डर रहा है, सिर्फ होगा लाला ही था मतलब इनमें से जो सबसे कमजोर था, जो बेचारा नेदरराइट से डरता था। मैं लड़ना नहीं चाहता ड्रीम बॉय जी आपसे, आजा बेटे चल यहां से निकल निकल। ओ माय गॉड, इस बंदे ने एक भी बार अभी तक खाना भी नहीं खाया यार, सीरियसली स्मार्टी भाई अरे ड्रीम बॉय हेलो ब्रो, आपके सर से फाइनली पंपकिन हट गया। ओ माय गॉड स्मार्टी भाई आप भाग क्यों रहे हो? अरे भाई आप मेरे को मार रहे हो तब से लेकर, पता भी आपको कुछ यहाँ पे क्या पे क्या हो रहा है? व्हाट भाई मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ आपके सर पे? आपको शायद पता है नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, जो आपके पास वो पंपकिन है ना, डार्क पंपकिन उसका नाम, यस और नो? हाँ डार्क पंपकिन है उसका, एकदम सही। और वो मेरे को ना उस विजर्ड ने बताया कि वो पंपकिन कितना ज्यादा खतरनाक है ब्रो, आप मेरे को जब भी उस पंपकिन को पहन के आते हो ना आप को मारना स्टार्ट कर देते हो भाई, अभी तक हमारा मैन हंट चल रहा था यहाँ पे, ऑलमोस्ट मैं मरने वाला था। व्हाट द हेल भाई, मैं लेजिट उसको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही डार्क पंपकिन मेरे सर पे चढ़ता है ब्लैक स्क्रीन हो जाती है मेरे सामने।
अरे इधर आओ जल्दी, मेरे को अपने लिए खाना निकालना, आप मेरे को मार दोगे नहीं तो यार। और मुझे विजर्ड ने पता क्या बताया, हर 15 मिनट में अचानक से वो जो पंपकिन है ना वो आपके सर पे लग जाता है। अप्रोक्स 15 मिनट। हाँ भाई एकदम सही है। और स्मार्टी भाई देखो आपको आवाज आ रही है बटन दबने की, ये देखो। हाँ आ रही है भाई, ये मैं बटन दबा रहा हूँ और ये पंपकिन हट ही नहीं रहा। नहीं हट, अरे भाई ये नहीं हटता है। विजर्ड ने मेरे को बताया एक बार आपकी इन्वेंटरी पे डार्क पंपकिन आ गया ना, आपके सर पे हर 15 मिनट में लगेगा उतरेगा, लगेगा उतरेगा, आप इसको अपनी इन्वेंटरी से हटा ही नहीं सकते। कर सब रो ये पंपकिन है। और आपको, आप मुझे एक बात बताओ, जब भी आपके सर पे लगता होता क्या आपके साथ उस 15 मिनट में? मेरे सामने बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो जाती है मेरी। इसका मतलब आप उसको खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको पता मुझे विजर्ड ने क्या बताया, इस डार्क पंपकिन की खोज किसने करी है, कौन हो सकता, कौन आपको कंट्रोल करा है, मुझे बताओ। हुगा लाला नहीं, उसके पिताजी, उसके किंग। डार्क एमलैंड में एक बहुत बड़ी एंटिटी है जिसने इस चीज की खोज करी, आपको पता है? What the hell bro? एक और एंटिटी? हाँ, और वो इनका बाप है, वो इनका किंग है, वो जो कि यहाँ पे नहीं है इस एमलैंड में, वो कि डार्क एमलैंड में है। अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे को बताइए विजर्ड ने लास्ट टाइम पे बताई कि उसके भी लास्ट टाइम पे बताई थी, एंड उसने मेरे को बताया कि डार्क पंपकिन बहुत खतरनाक है लेकिन इसको निकाल सकते हैं हम लोग। एंड अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब आपके सर पे पंपकिन लगता है आप वहीं पे पहुंचते हो कि आप कहीं और ही पहुंच जाते हो, किसी और ही जगह पे? मेरी लोकेशन चेंज हो जाती है, इन्वेंटरी चेंज हो जाती है, टूल्स की हेल्थ कम हो जाती है। आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि अभी क्या हो रहा था जब आप डार्क पंपकिन पहन के आए, आप मुझे मार रहे थे, आपके टूल की हेल्थ तो कम होगी ना मेरे भाई, और क्या होगा उसके अलावा? ओ माय गॉड, मतलब एक टाइप से मुझे कंट्रोल ही कोई और कर रहा है, पूरा सब कंट्रोल कर रहा है होगा लाला का पिताजी डार्क हिमलैंड से बैठकर। ब्रो आर यू श्योर? अपने फलाना जी और रेजू भाई जिंदा हैं उधर? वो बंदे है जिंदा अभी तक भाई साहब, जितना मेरे को सोचो अगर अभी मैं इसीलिए तो काम कर रहा ब्रो, मेरे को नीचे जाके ना जितना जल्द से हो सके उन विलेजर को बचाना है, उस किंग के पास जाना है, किंग मुझे बताएगा कि कैसे हम लोग होगा एंड हुला। आपको पता है अभी क्या हुआ? होगा लाला मर गया सच में भाई। विजर्ड ने ना उस होगा लाला को जो मारा मेरी आंखों के सामने, अपने हाथों से पेल दिया उसको। लेकिन यार एक और बात हुई, जो कमांडर नहीं है वो अजीब सी पोशाक वाला, हाँ कमांडर है, उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। वो बंदा मेरे को बोलता कि भाई होगा लाला जिंदा है, और मैंने अभी देखा होगा लाला को मरते हुए। आई हैव नो आइडिया कि ये क्या भाई, ये कमांडर पहले मेरे को भी लगा था ये तिगड़मबाज बंदा है, पर इसने मेरे को ये डायमंड की चीजें दी हैं जो आप देख रहे हो सामने। नहीं ये बंदा तिगड़म वाला नहीं भाई, ये बंदा बड़ा बड़ा अपना यू नो काम का बंदा, बड़ा यकीनदार बंदा ये। पर एक बात बताओ, मैं आपको कितनी देर से मार रहा हूँ इधर यार आपके को ना? ओ माय गॉड, सुनो आपके 15 मिनट होने वाले मेरे भाई, 15 मिनट होने वाले आपके, फंस जाएंगे मैं और आप, निकलते हैं। सुनो जितना जल्द से सकते उन विलेजों को बचाते हैं और देन उसके बाद यू नो अपना काम धंधा करते हैं कुछ। फिर जल्दी निकलो भाई। ओ माय गॉड, अरे थैंक यू सो मच उड़ाने के लिए ब्रो मेरे को। ओ माय गॉड, फंस गया। नहीं भाई, सारे बंदे मिलके मुझे ही क्यों मार रहे भाई? अरे भाई 15 मिनट नहीं हुए थे अभी तक, ये क्या मजाक है? इसको पहले ही लग गया वाला पंपकिन है इस बार, दिस इज रॉन्ग मैन। चुप हो जा बचूरा ड्रिप बॉय, पंपकिन को फेंक दे यार कुछ करके भाई, इस पंपकिन को फेंकवाना पड़ेगा यार, ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। अरे भाई 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 भाई, सिर्फ हुला लाला बचा हुआ है, एंड हुला लाला भी खतरनाक है मुझे इतना तो पता है। रुको एक बार, तेरी पकौड़े ऐसे की तैसे, निकल यहाँ से ड्रिप बॉय, निकल जा। रुको अगर मैं इसके सर पे मारूंगा तो हो सकता है कि ये पंपकिन इसके सर से छूट जाए, हु नोस, किसको क्या पता है भाई साहब। जो एंटिटी इसको गाइस कंट्रोल कर रही है ना ब्रो, वो अंधी बहुत तगड़ी है भाई पीवी में। लग गया फिर से चलने वो एंटिटी ने, मैं तभी सोचा कि ड्रीम बॉय इतना हाइट में कैसे चल सकता है, बिकॉज ये एंटिटीज है ना, इन लोगों के पास यहाँ पे जंप का कुछ होता है, होगा हुला एंड उस किंग के पास भी डेफिनेटली होगा। ओ माय गॉड, मेरी रीच खत्म हो जाती है। नहीं नहीं, मैं मरने वाला भाई साहब, डार्क हिमलैंड नहीं जाना भाई प्लीज, मेरे को नहीं जाना डार्क हिमलैंड। ओ एक सेकंड रुको, मेरे पे यहाँ पे 1 शॉट है, मैं इससे पहलूंगा इसके बाद, जरा एक सेकंड रुको। गाइस मेरे को उस विजर्ड ने बोला था कि मेरे को ना ऐसी जगह पे इसका इस्तेमाल करना है जब जीने और मरने की बात आ जाएगी। अगर मैंने अभी यहाँ पे इसको मार देना ड्रीम बॉय को, तो या तो ये डार्क हिमलैंड पहुंच जाएगा या तो ब्रो मेरे चक्का लगने वाला डार्क हिमलैंड के। ये बहुत स्ट्रांग है, ये एंटिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। रुको मैं इसको मार रहा हूँ, इससे जरा देखते क्या होता है। आजा नल्ले, ये बंदा एक्चुअली भाग गया। यस देखो इसकी ड्यूरेबिलिटी पहले 3 थी, अब यहाँ पे 2 बची है, मैं इसको सिर्फ 3 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और एक बार मैंने कर दिया है। प्रो ये बंदा भाग रहा डर के मारे। एक सेकंड रुको, इसमें ऐसा क्या लगा हुआ है भाई साहब? इसे शार्पनेस लेवल 255 है, मेरे पास शार्पनेस लेवल 4 है, 255। ओके आई गेस इसने ड्रीम बॉय के कम से कम 99% हर्ट्स खा लिए होंगे। ओ माय गॉड, अच्छा ओके बंदा मरा नहीं यार, अगर मर जाता ना तो अब ये ड्रीम बॉय यहाँ पे डार्क हिमलैंड पहुंच जाता। ब्रो मैं जा रहा हूँ फटाफट अब उन बच्चों को बचाने के लिए। बच्चे क्या बोल रहा है भाई, विलेजर्स को बचाने के लिए। मेरा दिमाग खराब हो चुका है एक्चुअली, मेरे को सबसे पहले तो ब्लॉक्स निकालने पड़ेंगे,
क्योंकि नीचे आ रहा बिना ब्लॉक्स के खतरों से खाली नहीं होगा ये। होगा लाला मर चुका है, ड्रीम बॉय भाग चुका है, फूला लाला उस साइड के लिए गया हुआ है वापस से उस विलेज के लिए। अभी गाइस मेरा पूरा पूरा चांस है उन विलेजर्स को बचाने का, मैं फटाफट अभी करता हूँ इस काम को। गाइस ऐसे करते हैं ना, फटाफट चलते नीचे। अरे वाह क्या ही किस्मत है मेरी भाई साहब, मेरे पास पर्ल नहीं थी एक्चुअली। आजा मेरे को जाना गाइस फटाफट। आप देखो गाइस सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा जो मुझे यहाँ पर मार सकता है, जो क्या हुला लाला। ड्रीम बॉय भी जा चुका है, ड्रीम बॉय वापस नहीं आएगा गाइस। ये जो हमारी वन हिट स्वॉर्ड है ना, इससे जिसको पड़ती है वो वापस नहीं आता, मेरे को उस विज़र्ड ने बताया था। जब हम लोग इसको किसी बढ़िया चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं हम लोग हर कभी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। ओ माय गॉड मेरे को फॉल डैमेज पड़ रहा था अभी तगड़े वाला। एक पर्ल भी आ चुकी है वहां से बाहर निकलने के लिए। फटाफट चलते गाइस इन विलेजर्स को बचाने के लिए। तुम लोगों को मैंने शायद पहले ही बोल दी थी ये लास्ट टाइम पे ये बात, होगा लाला हुला लाला इन विलेजर्स को ना गाइस अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुरी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। और अब देखो जैसे मैं यहाँ से अंदर आता हूँ ना, मैं यहाँ से अंदर ब्लॉक्स को नहीं तोड़ पाता हूँ। अनब्रेकेबल ब्लॉक्स है गाइस इस जगह पे भी, होगा लाला वगैरह लगाए हुए। एंड जैसे मैंने अपनी ब्राइटनेस पूरी करी है ना, ये जगह कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है देखने के लिए। ओ माय गॉड, मैं एक्चुअली ना भूल चुका हूँ कि मैं किधर होके गया था। आई गेस यहाँ से ऊपर, एंड जो हमारा थर्ड मोस्ट वाला वो टावर था वहां पर हमारे विलेजेस वगैरह है। आई मीन थर्ड मोस्ट लेफ्ट वाला जो हमारा टावर है, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से बैक साइड जाना पड़ेगा। आ जाओ सर जी आ जाओ। मेरे को अभी याद आई मेरे पास पर्ल की कमी हो रही थी, थैंक गॉड गॉड पर्ल दे दी इसने मेरे को। फटाफट चलते गाइस अब उस टावर के अंदर। बहुत ही ज्यादा वियर्ड जगह ब्रो, यहाँ पर जो स्केलेटन्स है ना बिना उसके, देखो यहाँ पे इस बंदे को देखो तुम लोग, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे बंदा, ये बंदा मेरे को ज़ॉम्बी की तरह हाथ से मार रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें गेम की प्रोग्रामिंग ही इस होगा लाला वगैरह ने चेंज कर दी थी इस जगह के लिए। कुछ बहुत ही वियर्ड बात है ये, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ओके तो हमको जाना है गाइस यहाँ से ऊपर बड़े प्यार से, मेरे को बस हल्का सा एंगल देना है आगे के लिए हल्का सा, और बस यहाँ से इसके टॉप के ऊपर लैंड करना है। दैट्स इट, लेट्स गो। यस, और एक पर्ल काफी ज्यादा जरूरी है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ओके क्या मैं यहाँ पे ब्लॉक प्लेस कर सकता हूँ? हाँ यहाँ पे मैं ब्लॉक प्लेस कर सकता हूँ। दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। अब चलो यहाँ से फटाफट नीचे के लिए। आई होप कि वाली एंट्रेंस हमारी खुली हो अभी तक। यस एग्जैक्टली गाइस हमारी वाली एंट्रेंस खुली हुई यहाँ पे। इसके अलावा मुझे कुछ ऐसे ऐसी बहुत ही अजीब सी एन्चांटमेंट वाली यू नो लास्ट टाइम पे ये भी मिली थी तलवारें वगैरह, बट फिलहाल को इनका कोई और काम नहीं है। यस एंड गाइस यहाँ से अंदर हमारे वो विलेजेस रखे थे लास्ट टाइम पे, तो बहुत अंधेरा था यहाँ पे। मैंने अभी ब्राइटनेस अभी पूरी करी है ना, तो बचे हुए। ओ माय गॉड सारे के सारे विलेजेस गायब यहाँ से। ओके वो अरे मेरे को आवाज सुनाई दे रही है बाय गॉड। ओ माय गॉड देखो वो डंजन है ना, इसके बैक साइड में जो डंजन था वो खोल दिया इन लोगों ने लास्ट टाइम पे। यहाँ पे कुछ पूरा ब्लैक था ये अंदर के लिए, तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे है ना। और अभी देखो वहां से मुझे विलेजर्स दिख रहे हैं सारे के सारे, इन लोगों ने सारे विलेजर्स को अंदर होता गाइस रखा भाई। बहुत ही बुरी बात है ये। ऐसा करते हैं ना, एक सेकंड रुको प्लीज, होगा हुला अंदर नहीं होने चाहिए लास्ट टाइम पे यहाँ पे वो कुछ कर रहे थे उस विलेजर के साथ। इसको यहाँ पे लगा के इस दरवाजे को खोलते हैं। ओ माय गॉड दिस इज परफेक्ट ब्रो। एंड अगर तुम लोगों को पता नहीं गाइस यहाँ से बाहर हम लोग कुछ भी चीज और प्लेस नहीं कर सकते। देखो राइट क्लिक कर रहा हूँ ना, मेरी शील्ड ऊपर हो रही है, लेफ्ट क्लिक से हो रहा है राइट क्लिक से हो रहा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से और यहाँ से अंदर कर सकते हैं। ये है एकदम परफेक्ट चीज ब्रो। वो अंदर देखो सारे के सारे विलेजर्स है, बस इनको बचा के लेना यार। मेरे को डर लग रहा है एक्चुअली कहीं वो ना आ जाए, होगा लाला, होगा लाला तो मर चुका, हुला लाला ना आ जाएगा। इतनी छोटी सी जगह पे मेरे को पेल देगा वो आराम से, बिना किसी एफर्ट के इतनी छोटी जगह पर ना मेरे को वो आराम से पेल देगा ब्रो। यहाँ पर ऐसा करता हूँ ना गाइस, मैं 4, 5, 7, 8 लीवर बनाते हैं ठीक है। अपनी क्राफ्टिंग टेबल अपने साथ लेके जाएंगे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हम लोग जाने वाले इनको यहाँ से छुड़ाने के लिए। यस बाहर आओ सारे के सारे बंदे, बाहर आओ जल्दी जल्दी बाहर आओ, अंदर मत रहो यार। हेलो ये बाहर क्यों नहीं आ रहे बंदे, वहीं पे रहे हुए वहीं खड़े बातें करे आपस में, डर नहीं लग रहा क्या इन लोगों को, पागल है क्या? ओके कुछ विलेजर्स यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो चुका, जल्दी जल्दी बाहर आओ। ये क्या है, BUD3 BUD1 HUD1 BUD2 BU, भाई साहब इनके ना कोड में नाम लिखे हुए ब्रो। देखो यहाँ पे EUD है इसका नाम लिखा हुआ, और इसका नाम है EUD1। ओ माई गॉड EUD4 What? Bro, इन लोगों ने यहाँ पे कुछ अजीब से नामकरण किए हुए, AUD देखो GUD वगैरह हो गए हैं। मेरे को पता क्या लग रहा है ना, होगा एंड हुला ने इनको जब अपनी तरह बनाने के लिए ना इन लोगों के कोड में नाम लिखे हुए हैं, कुछ ना कुछ इनका बैच है, क्योंकि AUD1 करके AUD2 भी था, देखो ये AUD4 है और देखो ये AUD5 है, 5-5 के बैच है, मैंने अभी नोटिस किया। आई गेस इनके बैच वगैरह बना रहा है ये बंदा यहाँ पे, ताकि इनको एक एक करके यू नो बैच वाइज अपने में कन्वर्ट करे ब्रो। भाई ये बहुत ज्यादा अजीब सी बात है ना, और ये लोग यहाँ से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? एक सेकंड रुको, मैंने इनसे ढंग से बात करके आता हूँ गाइस, एंड देन इनको मैं समझा के आता हूँ कि ब्रो मैं तुम लोगों की यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने सारे के सारे विलेजर्स को बोल दिया, एंड अब देखो गाइस यहाँ पे सारे के सारे बंदे बैठ चुके हैं। तुम लोगों को आइडिया भी नहीं मेरे को कितना ज्यादा कन्विंस करना पड़ा भाई इन सभी के सभी बंदों को। ये देखो अभी सारे के सारे बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं,
और अब ये बंदे मुझे यहाँ पे ढंग से सुन रहे थे, पता है कम से कम आधा घंटा लेक्चर दिए लोगों को मैंने, इतना टाइम वेस्ट किया। आई हैव नो आइडिया गाइस कि हुला लाला अभी तक यहाँ पर वापस आया क्यों नहीं यार। अब इन लोगों का गाइस मेरे पे यहाँ पे यकीन हो चुका। अब देखो मेरा प्लान क्या है ना, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अब ये लोग है गाइस विलेजर्स, ये लोग नल्ले हैं, इनके पास कोई स्किल्स नहीं है बचने की। अगर मेरे पीछे इस वक्त हुला लाला पड़ गया है ना मुझे मारने के लिए, तो ये बंदे सारे मर जाने वाले हैं। तो मैंने इन लोगों को बोला कि तुम लोगों को ना मेरे पीछे ही एक ऐसी स्पेसिफिक फॉर्मेशन पे खड़े हो जाओ, एंड जो मैं एग्जैक्ट करूंगा तुम लोग वही करो। मैं छलांग मारता तुम लोग छलांग मारो, मैं MLG करूंगा तुम लोग MLG करो, ठीक है। मैंने इनको क्लियरली समझा दिया है, एंड बस अब एक एक करके मैं इनको अपने पीछे यहाँ पर खड़ा करने वाला गाइस। एंड उसके बाद मेरा प्लान बस यही है कि इनको मैं एकदम सही सलामत यहाँ से उस विलेज के अंदर लेके जा सकूं जहाँ पर हमारा किंग हमारा इंतजार कर रहा है। एंड गाइस उसके बाद तो भी हमारा किंग ही यहाँ पर है ना, हमारा सब कुछ होगा, बिकॉज वो मुझे इनके बदले इन्फॉर्मेशन देने वाला है हुला लाला को मारने की। होगा लाला मर चुका भाई, मैं एक्चुअली खुश हुआ थोड़ा सा ना, मतलब कलेजे के अंदर से ना एक मेरी जो भार था ना भाई वो खत्म हो चुका है यार होगा लाला के मरते ही। तो ऐसा करता हूँ फटाफट इन बंदों को अपने पीछे खड़ा करता हूँ, एंड देन यहाँ से बाहर निकलते हम लोग। ऑलराइट गाइस, सारे के सारे विलेजर्स मेरे पीछे यहाँ पर खड़े हो चुके, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसी लाइन में खड़े हो चुके हैं बंदे। और मैंने इनको जो बोला था कि भाई वही करना एग्जैक्टली जो मैं कर रहा हूँ, देखो ये लोग एग्जैक्ट वही कर रहे हैं। मैं आगे जा रहा हूँ, ये आगे जा रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ, ये मेरे पीछे जा रहे हैं। ये देखो मैं इधर के लिए जाऊंगा, ये इधर को जाएंगे, मैं उधर के लिए जाऊंगा, ये उधर के लिए जाएंगे, मैं उछलूंगा ना, ये सारे उछलने वाले हैं। कितना ज्यादा औसम लग रहा है ये। अब ये सारे के सारे विलेजर वही करेंगे जो मैं इनको एग्जैक्ट बोलने वाला। देखो 1 2 दो बार उछले, 1 2 3 तीन बार उछलेंगे, उछल के आगे जाऊंगा, आगे जाएंगे, उछल के पीछे जाऊंगा, पीछे जाएंगे। तो ये है एकदम परफेक्ट। अभी लोग वही करेंगे जो मैं एग्जैक्ट करने वाला हूँ, और यही तरीका गाइस यहाँ से बाहर निकलने का, बिकॉज मेरे बराबर स्किल्स इन लोगों के पास नहीं है, लेकिन मुझे कॉपी कर सकते हैं एग्जैक्ट सेम टू सेम। लेकिन अब एक दिक्कत बहुत बड़ी है, वो ये है कि ये विलेजर एक्चुअली बेवकूफ है। अगर मैं सेम ऐसे करके पीछे के लिए जाऊंगा ना, तुम लोग यहाँ पे नोटिस करना, जो लास्ट वाला बंदा है उस वाले बंदे को देखना तुम लोगों ने, वो बंदा दीवार के अंदर घुस जाएगा, उसको फॉल डैमेज वो सफोकेशन वाला डैमेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये लोग मरने वाले हैं। लेकिन मैंने भी गाइस यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, कुछ विलेजर ना एक ही ब्लॉक पे खड़े होकर स्पेस बचाने की ट्राई कर रहे। देखो जैसे ये बंदा है, दो मुंडिया दिख रही है, साइड वाले बंदे को देखो गाइस दो मुंडिया दिख रही है, एक ही ब्लॉक पे ज्यादा बंदे खड़े हैं। तो इनमें से गाइस एक आई गेस GUD वाला था, AUD4 वाला, यस ये AUD4 वाला जो विलेजर है ना लाइब्रेरियन, इस बंदे ने मेरे को बताया इसने एक ऐसी बुक पढ़ी है जिसके अंदर एक ऐसी टेक्निक है कि ये सारे बंदों को ना एक ही ब्लॉक पे खड़ा कर सकता है। 33 विलेजर्स है गाइस यहाँ पे अभी, एंड तुम लोगों को बताकर 24 से ज्यादा एंटिटीज एक ब्लॉक पे खड़ी हो जाए तो सफोकेट करना स्टार्ट कर जाती है। लेकिन इसने मेरे को बोला है कि कुछ इस तरीके से उनको खड़ा करेगा, इस तरीके से उनके फेस वगैरह होंगे अरे परे के लिए, जिससे वो लोग मरेंगे नहीं 33 विलेजर्स एक जगह पे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं फटाफट इनको एक ही ब्लॉक पे खड़ा करता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा गाइस कि लोग सफोकेट नहीं करेंगे। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं कहीं ऐसी जगह पे ना आ जाऊं जहां पे ये लोग सफोकेट करके मर जाए फालतू में। और फटाफट गए यहां से फिर बाहर निकलते हैं यार। कमन 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 बॉयज, यस 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 यस, देखो सारे बंदे आ रहे हैं। ओह ये कैसी आवाज आ रही है भाई, ये बहुत अजीब सी आवाज है, लेकिन अभी बंदे एटलीस्ट यहाँ पे सेफ है। देखो सारे के सारे बंदे एक साथ घुस चुके अंदर। ब्रो दिस इज परफेक्ट मैन, क्या मस्त है भाई ये बंदे। पर धक्का दे रहे मेरे को यार, ये क्या मजाक है, अबे धक्का क्यों दे रहे हो मेरे को तुम लोग, तुम लोग को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बड़े बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखो। अरे ब्रो एक्चुअली धक्का दे रहा है बंदा मेरे को। चलो गाइस ऐसा करता हूँ, मैं इनको यहाँ से बाहर निकालता हूँ, एंड देन मैं तुम लोगों को मिलता हूँ। ओ माय गॉड, ये तो यहाँ पे हवा में कैसे उड़ रहे हैं भाई। उस विलेजर ने भाई इनको ऐसी पट्टी पढ़ाई हुई है ना ब्रो यहाँ पे ना, इतनी मायावी पट्टी के बंदे भी लिटरली हवा में उड़ रहे हैं, बट स्टिल ये लोग मेरे साथ है। तुम लोग देखो मैं यहाँ पे गोल गोल घूम रहा हूँ ना, ये बंदे यहाँ मेरे साथ गोल गोल घूम रहे ब्रो स्टेज पे, जो कि अच्छी बात है। एंड अब कुछ नहीं करना भाई, बस मैंने यहाँ से ऊपर के लिए जाना है ना। और ये लोग मुझे गाइस एक्चुअली पूरे तरीके से कॉपी कर रहे हैं देखो यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर मेरे पीछे होगा एंड हुला पड़ते हैं ना भाई, ये लोग एकदम जिंदा रहने वाले हैं। लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं अपन क्रीपर्स के पास गया ना गाइस, मैं तो बच जाऊंगा, मेरे पास अच्छा आर्मर है, पर ये लोग नल्ले। नहीं 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 भाई, नीचे गिर गया मैं, सॉरी, मर जाएंगे भाई ये लोग। चलो मेरे विलेजर्स भाई लोग आ रहे हो ना पीछे, हाँ शाबाश, सो हैप्पी यार, आज सारे विलेजर्स को बचा कर घर लेके जाऊंगा। चलो जी आ जाओ, आ गए शाबाश। ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, मेरे विलेजर को टच ना करियो भाई तू, मैं मारू कैसे इनको, मेरे विलेजर को लग जाएगी। चलो यहाँ से बाहर चलो मेरे विलेजर भाई लोग, बड़े प्यार से बेटा। ओ माय गॉड भाई, पर ये बहुत सारा माया भी लग रहा है। अरे ब्लॉक गायब हो रहे मेरे, अरे परे के चलांग मार के आराम से आराम से आराम से आराम से। मैंने बोला था तुम लोगों को भाई ये लोग हर कहीं घुस रहे हैं यार, इतना भी भाई मुझे एग्जैक्ट फॉलो मत करो कि तुम लोग कहीं भी घुस जाओ यार, फॉल डैमेज से मर रहे हैं, आई मीन सफोकेशन से मर जाओगे। पानी हटान दो। और हमारा रास्ता किस साइड से था? हाँ उस साइड के लिए था हमारा रास्ता। अबे धक्का मार रहे भाई ये विलेजर, मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अरे कहाँ फंस गया, अरे तुम लोगों ने मेरे को इसके बाद रोकने की, अरे मेरे को धक्का मार रहे भाई, अरे बचा रहा तुम लोग, हुला लाला आ जाएगा तो मेरी बैंड बच जाएगी यहाँ पे।
ओ माय गॉड भाई, मैं इनको इतना ऊपर तक कैसे लेके जाऊंगा? ये बंदे मेरे को यहाँ पे तंग करे जा रहे हैं, और ये बंदे भी यहाँ पे सफोकेट करे। प्लीज विलेजर मरना मत, अगर तुम लोग यहाँ पे मर गए ना तो भाई ये हुला लाला को मारने का जो नुस्खा है वो राजा मुझे कभी नहीं बताएगा। लेट्स गो। ओ माय गॉड, हुला लाला मेरे विलेजर को ना मारियो भाई, मेरे को मार दे मेरे विलेजर को। ओ माय गॉड, मेरी लग चुकी है राजा। लेट्स गो विलेजर्स, ये मेरे को धक्का दे रहे हैं, आई स्वेयर। ये लोग भाई मिले हुए इसके साथ, मेरे को पसंद नहीं है भाई ये विलेजर्स यार। लेट्स गो फास्टर। ये बंदा कुत्ता है भाई। ओ माय गॉड भाई, मेरे साथ क्या हो रहा है जिंदगी में? तेज चल तेज चल तेज चल। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। नीचे नहीं गिरना ब्रो, मेरा ब्लॉक खत्म हो जाएंगे अभी यार। लेट्स गो लेट्स गो। हुला लाला सॉरी 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 भाई, तो अकेला बचा हुआ यार, अकेला बचा है बंदा। तेरे भाई को तो तीस के भाई को मारा किसने? एक बुड्ढे विजर्ड ने। तू मेरे पास आ, आ जा, तेरी ऐसी कितने ऐसे। चलो 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 विलेजर्स। ब्रो ये लोग मुझे क्या ही मस्त कॉपी कर रहे हैं ना भाई, हवा में उड़ के आ रहे बंदे लिटरली। ये विलेजर मेरे को धक्का देके नीचे गिरा देंगे, प्लीज ऐसा मत करना यार। अगर ऐसा कहने लोगों ने भाई, मैं परेशान हो जाऊंगा इनसे। हुला लाला की लगी हुई है ब्रो यहाँ पे। लेट्स गो, बाहर निकल गया। लेट्स गो, ये बच गया। ओह माय गॉड, मेरे विलेजर्स। लेट्स गो मेरे विलेजर्स। ओ ये, अरे होगा लाला कहां से आया अब? अरे ये बंदा मर गया था, ये बंदा मर गया था, ईश्वर ये बंदा मर गया था। नहीं ये हुला है शायद से। लेट्स गो, अरे धक्का मत दो, ये बंदे मुझे वापस होगा लाला के मैं धक्का दे। हुला ला चुका है गाइस, मेरे को समझ नहीं आ रही बंदे जिंदा कैसे है। ये हुला से, अरे मेरे को नीचे गिरा देंगे भाई ये लोग। ये विलेजर्स मेरे को लिटरली धक्का दे रहे हैं। ओ माय गॉड, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा भाई, किसके साइड है भाई तुम लोग? तुम लोग किसके साइड हो? मैं चाहता हूं गाइस कि बस ये होगा एंड हुला इनको ना मारे, बट एक्चुअली ये लोग ना इसके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। ओके मैं समझ गया भाई, क्या दिक्कत आ जा तू आ जा पहले साले तेरी। अच्छा ये तो हुला लाला था ना, हुला नहीं रहता है। ओ माय गॉड यार ये, अरे भाई धक्का मत मारो यार, मैं क्या बोल रहा था भूल गया हूँ एक्चुअली। हाँ मैं ये बोल रहा था, ये देखो भाई मेरे को इन लोगों ने धक्का दिया अभी, इन विलेजर्स की ऐसी की तैसी पकौड़े। ये लोग ना विलेजर्स को शायद से जानबूझ के मार नहीं रहे, बिकॉज ये लोग विलेजर्स को अपनी तरह बनाना चाहते हैं ना। 36 विलेजर्स थे, आई गेस 33 बचे थे मेरे पीछे। नहीं 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 प्लीज 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 आ जा मेरे, होगा लाला होगा तो डरता है ना मेरे बेटे। नो 30 30 30 30, अरे नहीं 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 नहीं, मैं इधर के लिए घूमता हूँ, ये विलेजर धक्का मारते हैं, दूसरी साइड के लिए घूमता हूँ, होगा लाल हुला गला मारते हैं। भाई क्या करूँ मैं जिंदगी में, मुझे बताओ ये लोग क्या है भाई, ये लोग कहाँ से आए भाई ये लोग? तुम लोग मेरे साथ तो ना मेरे भाई, इनके साथ तो नहीं हो तुम लोग मेरे। अरे विलेजर मर रहे हैं, नहीं 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 मेरे विलेजर्स को मत मारो यार। ओ माय गॉड ये लोग मेरे विलेजर्स को पेल रहे हैं। भाई ड्रीम बॉय कहाँ पर है यार? यार मेरे विलेजर को मार दिया इसने। ब्रो आई हैव नो आइडिया कि ये लोग विलेजर्स को बचाना चाहते हैं या फिर नहीं बचाना चाहते हैं। मेरे सामने मारा इन्होंने बे विलेजर को। आजा होगा लाला भाई, ऐसे होगा लाला। मैं क्या करूंगा अपने विलेजर को ऊपर टच करूंगा, और देखो मेरी पोजीशन चेंज हो जाती है हल्की हल्की, पर ज्यादा भी नहीं हो रही, इससे पहले तो बहुत ज्यादा हो रही थी भाई। निकल, हमको जाना इस डायरेक्शन में। अगर कमांडर आ गया ना भाई, यार ये लोग मुझे इस डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहे विलेजर, आई गेस उस साइड के लिए कुछ गड़बड़ है, और मे भी इन लोगों को कुछ ऐसा राज की बात पता है जिससे ये विलेजर मुझे उस साइड के लिए जाने नहीं दे रहे हैं। कुछ ये बोला गाइस, मेरे विलेजर्स ना एकदम बढ़िया से मुझे कॉपी कर रहे। देखो यहाँ पे सारे के सारे बंदे मेरे साथ है भाई, डरना मत ठीक है, डरना मत। तुम लोग चाहे भले ही मेरे साथ, ये देखो मेरे साथ गेम खेल रहे हैं शायद से, या तो फिर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को खाने की जरूरत है, खाना दे दे मेरे को। आजा मैं ले होगलू। ओह उड़ा दिया इसने मेरे को भाई, पर थैंक गॉड इसने मेरे को उड़ाया, और साथ ही साथ मेरे विलेजर्स लिटरली मुझे डिट्टो कॉपी कर रहे हैं भाई। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये कुछ गड़बड़ करते हैं मेरे विलेजर्स यहाँ पे, धक्का मारते हैं मेरे को यूं करके। लो लेट्स गो जल्दी जल्दी यार। मैं अपने विलेजर्स को बोल दूं कि भाई तुम लोग यहाँ पे फैल जाओ एंड थोड़ा दूर दूर के ले जाओ, नीले कहना का फैल ले गए ना लोग, तो इन लोगों के यहाँ पे पटाखे पड़ने वाले होगा हुला के पक्का ही। अभी लोग एक साथ है एक ही ब्लॉक पे, तभी ये लोग शायद से बचे हुए हैं। मुझे खाना चाहिए भाई वहाँ पे विलेजर्स, मत करो भाई मत करो। कमन 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 विलेजर साथ हो ना, साथ रहो प्लीज। ओके 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 है जा रही भाई मेरी, मेरे विलेजर्स मर जाएंगे ब्रो, मेरे को बस इनकी सेफ्टी की जरूरत है यार। मैं इन लोगों को तभी मार पाऊंगा अगर ये लोग विलेजर्स यहाँ पे जिंदा रहेंगे। अरे भाई लोग मुझे एक्चुअली पुश कर रहे हैं विलेजर्स, इसका मैं फायदा उठा सकता हूँ अपने। नहीं भाई ये होगा लाला पर जिंदा कैसे हुआ यार? गाइस मेरी आंखों के सामने मरा था ये बंदा, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मैंने खुद देखा इसको मरते हुए। ब्रो यार कुछ भी हो रहा है इस वर्ल्ड के, आई गेस वो कमांडर सही बोल रहा था, उस टाइम पे ये बंदा कहीं ना कहीं कुछ खा के जिंदा हो गया होगा, और मैं तो खुश हो गया था भाई, हमारे उसने रगड़ दिया इसको विजर्ड ने। विजर्ड एक्चुअली बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेट्स गो 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 लेट्स गो।
निकल यहाँ से भाई मेरे, समझ नहीं आ रही है, निकल यहाँ से। ओ माय गॉड, भाई साहब मेरे विलेजर्स तो सेफ है ना? हाँ ये लोग मेरे साथ आ रहे हैं हवा में उछल उछल के, आई हैव नो आइडिया कैसे आ रहे भाई ये लोग, बट ये लोग आ रहे हैं, आई एम हैप्पी। चल 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 जितना ऊपर जा सकते ब्रो जितना जल्दी। ब्रो मेरे को ना एक्चुअली गाइस ऊपर के लिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये विलेजर्स नरले भाई गिर जाएंगे ना, मर जाएंगे अभी ये। ओके होगा लाला ब्लॉक्स निकाल रहा है यार, मैंने पहली बार जिंदगी में होगा लाला को ब्लॉक्स निकालते हुए देखा। सो यार मुझे लगता था कि बंदा शायद से कभी भी हवा हुआ में नहीं जाता भाई ब्लॉक लेकर। लेट्स गो, मेरे पास आखिरी उम्मीद गाइस यही है, मेरी आखिरी उम्मीद यही है यहाँ पे, एंड दैट्स इट। ओ माय गॉड गाइस, अगर मैंने एमएलजी लैंड करी और एमएलजी लैंड नहीं हुई और मेरे विलेजर्स मर गए, मैं खुद को कभी भी माफ नहीं करूंगा। सारे बंदे एक साथ मरेंगे, सारे मरेंगे, लिटरली एक भी नहीं बचेगा ब्रो। ओके नहीं नहीं बच गया। विलेजर्स आई एम सो सॉरी, अभी तो ऊपर एक्चुअली नहीं आना चाहता। निकल, ओ माय गॉड, अरे भाई साहब, या बॉयज कम ऑन विलेजर्स। यार इनमें से कैसे एक बंदा लाइब्रेरियन है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर वो बंदा मुझे कुछ यहाँ पे काम की चीज बता देगा ना ब्रो, मैं बच जाऊंगा लिटरली। होगा लाला, थोड़ा सा नीचे बैठे तू। गाइस मेरे को इस बंदे ने अभी पता क्या बताया, भाई तू एमएलजी कर जा और सही लैंड कर जा, हम लोग बच जाएंगे तेरे साथ साथ, कोई चक्कर की बात ही नहीं है। खा गया। ओ मेरे विलेजर्स मरना मत, ओके मरना मत, मैं तुम लोगों को बचाऊंगा अभी, और इसी वक्त मैं जा रहा हूं यहां से नीचे एमएलजी करके। लेट्स गो। अरे मुझे डैमेज कैसे पड़ा? पर मेरे विलेजर्स तो बच गए ना। अरे मेरे आधे विलेजर पीछे बैठ गए उसके अंदर। अरे सीरियस, मेरे को उनको निकालना पड़ेगा भाई, एक भी बंदा पीछे रहना नहीं चाहिए। अगर होगा होला के पार आएगा ना एक भी बंदा गए तो पता क्या होगा? तो अरे अरे साइड 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 विलेजर साइड, अरे साइड हो जाओ यार, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, ये लोग समझ नहीं रहे यहाँ पे। एक भी बंदा पीछे रह गया, ये होगा होला उनको अपनी तरह बना देंगे ब्रो, देन हमारी बैंड बच जाएगी। सब विलेजर को बचाना जरूरी है, या तो मर जाओ या तो बच जाओ भाई। मेरे विलेजर्स पता नहीं भाई इससे पहले कैसे, मेरा ना एक्चुअली वो जो एमएलजी था वो हुआ मुझे पता है, लेकिन तभी मेरे को फॉल डैमेज मिला इन बंदों के वजह से, शायद से बहुत ज्यादा भार हो गया था उस एमएलजी के लिए। लेट्स गो भाई, मैं एक ही जगह पे ना ऐसे रिंगा रिंगा रोज़ की तरह घूम रहा हूं, लिटरली बोल रहा हूं मैं कुछ कर और कर ही नहीं पा रहा हूं यहां पे यार, सीरियसली। ओए मेरे को याद आया, अरे मैं अपनी फनी शॉट से क्यों नहीं मार रहा इन बंदों को? ओके आई गेस उससे ये हो जाएगा, अभी मैं यहां पे जीना मरने की सिचुएशन में पहुंच चुका हूं यार। आजा आजा, ओ माय गॉड, ये बच गया ब्रो, ये मेरे आर पार जा रहे बंदे, प्लीज 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 प्लीज। इसको नहीं लग रही है यार, मैं नहीं मार पा रहा इसको, मैं वन हार्ट पे हूं लिटरली। ए लगा इसको शॉट, यस। अरे भाग गया, वो भाग रहा है लिटरली। ओ माय गॉड, अरे होगा लाला कोई बचा, मेरी शॉट टूट गई। डोंट टेल मी, अरे भाग रहे वो बंदे ब्रो। हाफ हार्ट पे लिटरली, मैं लिटरली हाफ हार्ट पे हूं, इन विलेजर्स ने मेरे को मरवा दिया था अभी अभी यार, फॉल डैमेज से। ओ माय गॉड, नहीं 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 विलेजर्स नहीं, मुझे खाना चाहिए भाई। चले गए वो लोग चले गए। ओके अगर इस भेड़ ने मेरे पे हमला किया ना अभी, तो मेरी बैंड बच जाएगी, बिकॉज ये लोग भी यहाँ पे हमला करते हैं। मुझे खाना चाहिए ब्रो आपका। ओके मेरे को छोटे को मारना पड़ेगा, छोटे आई एम सॉरी। ये रैबिट भी भाग गया मेरे हाथ से, फाइनली एक भेड़ दिखी, आई एम सॉरी भेड़ू जी, मर जा यार जल्द से जल्द, मार यहाँ से। अरे इसमें कच्चा खाना दिया भाई फर्स्ट टाइम पे, कोई बात नहीं कच्चा खाऊंगा। हाफ हार्ट से बाहर निकलना था, लेट्स गो ब्रो। मैं अभी एक्चुअली हिमला डार्क हिमलैंड पहुंचने वाला था, गड़बड़ हो गई थी मेरे से अभी। अरे मुझे कमांडर का मैसेज क्या है नीचे लिख के कि मुझसे मिलने आ, मतलब एक सेकंड रुक, मैं कमांडर से मिल के आता फटाफट, जरा कुछ गड़बड़ है शायद से। हेलो कमांडर साहब, मुझे वहां पे दिख चुके हैं, कमांडर ने मेरे को बुलाया गाइस मिलने के लिए, एंड लेट्स सी कि कमांडर हमारा क्या बोलता है भाई। ओ माय गॉड, इन बेवकूफों ने मरवा दिया था मेरे को अभी फिर से, क्या बंदे यार ये भाई, मेरे को नहीं बचाना इन विलेजर्स को यार सीरियसली, ये तो भाई मेरे पैरों पे अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारा मैं इनको बचा के। और अगर तो कमांडर साहब से मैंने अभी यहाँ पर बात करा, कमांडर ने मुझे बता क्या बताया ना, जो किंग है ये बेसिकली यहाँ पर अभी किंग का एक मैसेज लेकर आया मेरे पास, और किंग ने ये बताया गाइस कि अगर उस बंदे ने सारे के सारे यू नो विलेजर्स को बचा दिया है ना, तो उसको बोलियो कि विलेजर्स को लेकर अभी तो घर बताइयो, बिकॉज विलेज के अंदर गाइस होगा लाला, हुला लाला, ड्रीम बॉय, ये तीनों मिलके हंट कर रहे हैं। अभी अभी मैंने तुम लोगों ने देखा होगा एंड हुला लाला को मैंने पेला अपने उस एक स्वॉर्ड से, बट इसने मेरे को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले वो लोग वहां से निकले थे उस विलेज से, एंड उस विलेज से निकलने के बाद तुम लोगों को ऑलरेडी पता है वो कहां पर थे, वो मेरे पीछे आए हैं गाइस। तो इसने मेरे को बताया गाइस कि अगर हम लोग सारे के सारे विलेजेस को लेकर अभी चले गए विलेज जो कि उस डायरेक्शन में आता है ना, तो सीरियसली सारे विलेजेस मरने वाले हैं। इसने मेरे
को बोला कि भाई अभी मैं इन विलेजर्स को इधर ही आसपास कहीं पर ऐसा सीक्रेट टाइप एक बंकर बना दूं एंड सारे के सारे विलेजर्स को मैं वहीं पर गाड़ दूं ताकि ये जो बंदे ना गाइस ये बंदे होगा लाला हुला लाला के यू नो नजर में ना आए, ये मेन चीज है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं आसपास इधर ही किधर यहां पर एक बना देता हूं। अगर मैं इन बंदों को अब यहां पर बोलने वाला कि ब्रो तुम लोग सारे के सारे बंदे प्लीज मेरे को अब यहां पे छोड़ो ताकि मैं यहां पे तुम लोगों के लिए बढ़िया से एक अंडरग्राउंड बेस बना सकूं, निकल जाओ यहां से एक बारी प्लीज। ओके 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 जा रहे दिस इज नाइस। ओके ब्रो थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच। बस तुम लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेस फटाफट यहाँ से नीचे बना के आता हूँ जितना फास्ट बना सकता हूँ। और एकदम सही बात बोली इस कमांडर ने, एक्चुअली अगर मान के चलो विलेजर्स को मैं विलेज लेके चला जाऊंगा तब भी तो ब्रो वहाँ पर आराम से मर सकते हैं ना, होगा ढूला थोड़ी छोड़ेंगे इनको वहाँ पे। तुम लोगों को क्या लगता है छोड़ेंगे इनको? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई। ऐसा करो जल्दी जल्दी आओ और जल्दी जल्दी मेरे पे चिपक जाओ सारे के सारे बंदे जल्दी। यस देखो अब इनको लेके चलते गए नीचे के लिए, कहाँ था हमारी जगह, ये है हमारी जगह, जल्दी आओ नीचे आओ, है ना, है ना, कुछ नहीं करना भाई तुम लोगों ने, बस सेपरेट हो जाओ शाबाश और इधर ही रहोगे तुम लोग, हिलना मत यहाँ से ठीक है। अब ये तुम लोगों का एक सीक्रेट बंकर है कुछ टाइम के लिए, ज्यादा नहीं। अरे बाहर निकलने की कोशिश करे भाई, पागल हो क्या, इनको दिमाग है कि नहीं थोड़ा भी, बार हुला लाल से बंदे से घूम रहे हैं। गाइस अभी मेरे को जाना पड़ेगा उस विजर्ड के पास, मुझे उस विजर्ड से पूछना पड़ेगा कि भाई तूने जिसको मारा वो कौन था, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था उनको मरते हुए, हुगा लाला को मरते हुए और हुला लाल डर के मारे भाग गया था, पर वो बंदा जिंदा कैसे हो सकता है यार। और मैंने अभी भी इस बंदे को ये सारी बातें बताई, ये बंदा हंसने लग गया भाई मेरे ऊपर एंड ही वाज लाइक कि भाई मैंने तेरे को पहले ही बोला था और मेरा फेस कैम बंद हो चुका है एक्चुअली, मैंने अभी भी ध्यान दिया बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं बचा, मैं जा रहा हूँ उसी बंदे के पास विजर्ड के पास, फटाफट चलते हैं। गाइस एक ना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, तुम लोगों को पता है जो हमारा विजर्ड है ना ब्रो वो बंदा अपना विलेज छोड़कर मुझसे यहीं पर मिलने आ गया और ये बंदा गाइस यहाँ पर एक फूल लेकर आया हुआ है, क्योंकि गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है तुम लोगों को पता है, ये बंदा इसके विलेज के अंदर ना गाइस फिर से वही हो गया यार, होगा वगैरह ने हमला कर दिया और ये बंदा अकेला बचा, सारे बंदे मार दिए। तो ये बंदा अपने विलेज से बाहर निकल के आ चुका और इस बंदे ने मेरे को क्या बताया, मैंने इससे पूछा मैं कहा भाई क्या सीन है तेरे, तूने अपने हाथों से होगा लाला को मारा था एंड ही वाज लाइक कि ब्रो वो होगा लाला नहीं था गाइस, कुछ विलेजर्स को होगा लाला ने अपने कोलोन में कन्वर्ट कर दिया था, इसीलिए वो जो कोलोन वाले बंदे थे ना होगा लाला एंड हुला लाला का एक एक कोलोन था जो बहुत ही कमजोर है उनके सामने, उसको मारा था इस बंदे ने। ये बंदा बोलता भाई जब तूने देखा उनको मारते मेरे को तो तू काहे को खुश होके उसी टाइम निकल के मुझसे बात करने आया था, मैं तो उसी टाइम पे क्लियर कर लेता एंड बहुत बड़ी गलत फहमी होगी ब्रो, मैं पता तुम लोगों को कितना लापरवाही करके इससे पहले उन दोनों को बचाने के लिए गया था नीचे इन विलेजर्स को, ये सोच के सिर्फ हुला लाला बचा है भाई, है ना। और देखो ड्रीम बॉय तो आया भी नहीं, इसने मुझे एक और बात बताई, वो जो 3 हिट शॉट थी ना गाइस हमारी 1 हिट शॉट जिसके 3 हिट्स बचे हुए थे, एक एक हिट्स हम लोग किसी को भी मार सकते थे उससे, तो इसने मेरे को बताया कि वो इतना खतरनाक है ना कि मतलब अभी मेरे पास टाइम है, मैं अभी और इस वक्त जा सकता हूँ किंग के पास, होगा हुला लाला बहुत देर तक नहीं आएंगे हमसे फाइट करने के लिए लिटरली। एंड इसने मेरे को बताया कि उस टाइप की और भी स्वॉर्ड्स है हमारे वर्ल्ड में जो कि यू नो होगा लाला जैसी एंटिटीज को कंट्रोल कर सकता, तो वो भी ढूंढना पड़ेगा, ढूंढेंगे बहुत ही जल्द। बट तब तक गाइस मैं तुम लोगों के साथ विदा लेता हूँ इस एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द मैं वापस आने वाला था गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसे लगे, लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को और मैं आप लोगों के साथ ही था उस वीडियो में, तो लोगों से ऑसम बाय।